हेलो फ्रेंड्स इट्स मी दिव्यांशा तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ आर जर्नी जो कि हरिद्वार से नीलकंठ है हरिद्वार से नीलकंठ जाने के लिए दोस्तों दो रास्ते हैं पहला जो कि हरिद्वार से ऋषिकेश और फिर ऋषिकेश से नीलकंठ बाईपास के थ्रू जाते हैं और दूसरा रास्ता है जो कि ये चीला फॉरेस्ट के थ्रू होते हुए गुजरता है चीला फॉरेस्ट के थ्रू होते हुए जो रास्ता गुजरता है इसके बीच में आपका राजा जी नेशनल पार्क भी आता है जहाँ पर आप चाहें तो आप रुक करके जीप सफारी का आनंद भी ले सकते हैं तो फ्रेंड्स आज है गुड फ्राइडे जिसके कारण जो मेन बाईपास वाला रास्ता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है हमको पता चला कि वहाँ पे करीबन करीबन दो से तीन घंटे का हॉल्ट लग रहा है बिकॉज ऑफ़ ट्रैफ़िक सो हमने तो सोचा कि चलो हम चीला फ़ॉरेस्ट वाला रास्ता भी एक्सप्लोर कर लेते हैं तो हम लोग चल पड़े हैं हरिद्वार से नीलकंठ वी चीला फ़ॉरेस्ट जहाँ पर ट्रैफ़िक कम्पेरेटिवली बहुत कम है जैसा कि आप देख सकते हैं रोड कंडीशंस आर एब्सोल्युटली परफेक्ट इस रास्ते के बारे में मैं आपको बताऊं तो हम लोग चंडी देवी के मंदिर के नीचे से हम लोगों ने अंदर लेफ़्ट टर्न लिया था और फिर हम पहुंच गए थे चीला डैम की तरफ चीला डैम को पार करते हुए हम इस रास्ते पर आ गए हैं और नज़ारे इस रास्ते के आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत हैं राइट साइड में आपको पहाड़ गंगा नदी साथ में और लेफ़्ट साइड में आपको सारा ग्रीन एरिया दिखता है एंड अप्रॉक्सीमेटली सेवन टू टेन किलोमीटर्स के बाद में आपका पूरा पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाता है अगर आप दिन के समय पे इस रास्ते पे आ रहे हैं तो दिन के टाइम में ये रास्ता बिल्कुल सेफ है आपको अच्छा खासा ट्रैफिक सड़कों पर मिल जाता है पर रात में आने के लिए ये रास्ता रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि आपको जंगली जानवर दिख जाते हैं इसके अलावा दोस्तों मॉनसून सीजन में भी इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए क्योंकि रस्ते में एक सूखी नदी पड़ती है जो कि गर्मियों में तो बिल्कुल ड्राइड होती है पर मॉनसून सीजन में वो नदी फुल भर जाती है जिसके कारण आप नदी क्रॉस नहीं कर सकते और आपको वापस जाना पड़ेगा तो इससे बेटर आप मॉनसून सीजन पे इस रास्ते पर नहीं आए और ये हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी हमारे सफर का आनंद लेते हुए और ये साथ में उनकी मम्मी नंबर वन एंड उनकी मम्मी नंबर टू और फ्रेंड्स ये है नज़ारा पहाड़ी से ऋषिकेश शहर का पूरा शहर आप एक साथ देख सकते हैं इस पहाड़ से बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है ये मैं अपने कैमरा पे वो नहीं कैप्चर कर पाई हूँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और फ्रेंड्स अगर आप सीजन के टाइम पर नीलकंठ टेम्पल जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप कोशिश करिए कि आप या तो अर्ली मॉर्निंग जाएं या थोड़ा शाम के चार पाँच बजे के आसपास जाएं क्योंकि अगर दिन के टाइम में आप बिल्कुल बीच के टाइम में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी बहुत ज़्यादा वेट करनी पड़ेगी इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें और अब ये कुछ क्लिपिंग्स आपको दिखेंगी ऋषिकेश की और लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की और फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ जैसा कि सब लोग कहते हैं कि नीलकंठ का रास्ता बहुत संकरा है बहुत डेंजरस है टूटा फूटा है ऐसा कुछ भी नहीं है रास्ता रोड बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है और संकरा बिल्कुल भी नहीं है गाइस देर वाज अ मोमेंट जहाँ पे हम लोग का ट्रैफिक फंस गया था तो एक रोड पर तीन लेन की ट्रैफिक बनी हुई थी तो बिल्कुल भी संकरा रास्ता नहीं है और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत तो दोस्तों हमने ये जर्नी ये खूबसूरत नज़ारे भोले बाबा के खुले दर्शन हर की पौड़ी पर गंगा जी में स्नान हमने ये सब बहुत इन्जॉय किया आप अगर इस जर्नी पर आएँ तो आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की सभी अपडेट्स मिलती रहें थैंक्स फ़ॉर वॉचिंग बाय